आप देख रहे हैं पार ब्रेकफास्ट और एक्सिस निफ्टी के ऊपर फिर से देखें तो 90 पॉइंट से ज्यादा की तेजी एक्सिस निफ्टी दिखा रहा है। तो आज के लिए जो क्यूज इंटरनेशनल मार्केट से वो एनकरेजिंग है और अच्छी संकेत आज एक्सिस निफ्टी से मिल रहे हैं जो कि अब करीब 93-94 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं थोड़ी सी पावर सेक्टर की। वक्त बदल रहा है और बदलते वक्त के साथ साथ जरूरतें भी बदल रही है और इस बदलाव में पावर सेक्टर की भूमिका काफी अहम है। अपनी इस अहम भूमिका और बदलते वक्त के साथ क्या क्या बदलाव की जरूरत को समझते हुए पावर के क्षेत्र में काम करने वाली सभी कंपनियां बेंगलुरु में इलेक्मा 2016 के बैनर तले वर्ल्ड यूटिलिटी फोरम में चर्चा के लिए इकट्ठा हुई हैं और इस चर्चा में रेल मंत्री सुरेश प्रभु भी शामिल हुए। मौजूदा दौर में बिजली हर किसी की जिंदगी से जुड़ी है, चाहे आप ग्रामीण इलाके में रहते हो या शहरी क्षेत्र में, आपकी हर जरूरत के साथ जुड़ी है बिजली। बदलते वक्त में इस क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं, मसलन हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों तक अनवरत बिजली कैसे पहुंचाई जाए, एटीसी लॉस को कैसे रोका जाए, डिस्कॉम की समस्या से कैसे निपटा जाए। वर्ल्ड यूटिलिटी फोरम एक गैदरिंग है जहां पे बिजली का उत्पादन और बिजली की डिलीवरी जो होती है इस विषय में काफी लोग दुनिया से अलग अलग लोग आके शामिल हो रहे हैं ये बात करने के लिए कि बिजली बोर्ड और बिजली का आगे जाते हुए भविष्य में कैसे आगे बढ़ेगी। वर्ल्ड यूटिलिटी फोरम में दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि अपने अपने यहाँ किस तरह नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ आने वाली चुनौतियों से किस तरह बाहर निकल रहे हैं, किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करने से आम आदमी को सस्ती बिजली दी जा सकती है, इन मुद्दों पर अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। The solution for the paradox that I have just described, how to develop without sending the CO2 in the atmosphere, relies on three main pillars. First, the efficiency. We are spending too much useless spent on non-efficient use of electricity. Second, the integration of renewable or non-CO2 source of electricity. And this is a great challenge because we still are struggling. वर्ल्ड यूटिलिटी फोरम दो दिन का कार्यक्रम है जिसका उद्घाटन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने किया। रेल मंत्री का भी मानना है कि भारत में 24/7 बिजली देने में सबमिशन और ट्रांसमिशन पर काम करना बहुत जरूरी है। देश के विकास की दिशा आगे आने वाले समय की परख करने के लिए हमें देखना होगा कि किस तरह से हमारी पावर सेक्टर की दिशा चल रही है। बिना पावर हमारे बहुत सारे विकास के जो अलग अलग कदम है वो पूरी मात्रा में सफल नहीं हो पाएंगे। अब देखना होगा कि इलेक्ट्रामा 2016 में आए 1100 कंपनियों के प्रोडक्ट और तकनीक को किस तरह से भारत सरकार और यहाँ की पावर सेक्टर की कंपनियां भारत के 125 करोड़ लोगों के घरों तक 24/7 बिजली पहुंचाने में इस्तेमाल करती है। संतोष कुमार, जी मीडिया, बेंगलुरु। चलिए इसी साथ की छोटे